सुनिए ना, दो बाला साहब को भी इनको निंदा करनी पड़ेगी। दो बाला साहब, एक आरएसएस के सरसंघ चालक बाला साहब देवरस, जिन्होंने दो खत लिखे, इंदिरा जी का समर्थन किया था, और दूसरे बाला साहब ठाकरे, इन्होंने समर्थन किया था, जिसके बाद इन्होंने 25 साल तक उनके साथ गठबंधन रखा था। इन दोनों की भी इन्होंने निंदा करनी चाहिए। लेकिन ये सब जो है, ये सब सोच समझ कर, गांधी परिवार से जो इनको नफरत है, गांधी परिवार का इस देश से जो नाता है, जो उनकी शहादत के कायल है इस देश के लोग, उनके देशभक्ति के, उसको खत्म करने के लिए बार 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 झूठ जो है परेशने की कोशिश कर रही बात डेप्टी स्पीकर की। आप कायल हो, रही बात डेप्टी स्पीकर, मैं बीच में बोला नहीं। हाँ, आप तीन चुनाव जीते हो, हम 14 चुनाव जीते हैं। तो दूसरी बात, इन्होंने डेप्यूटी स्पीकर, मैं बीच में बोला नहीं। चलिए चलिए, सच बोलता हूं ना तो मिर्ची लगती है। चलिए, और हर हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी। बार बीच में फिर कूद पड़ते हो। चलिए चलिए, तो दूसरी बात, तो मेरी बात स्पीकर का कन्वेंशन है, डेप्टी स्पीकर, डेप्टी स्पीकर, डेप्टी स्पीकर जो है, डेप्टी स्पीकर का कन्वेंशन। अरे अहंकार तो मोदी जी का। चलिए ना, आगे चलिए, इतनी बढ़िया डिबेट चल रही है। चलिए अतुल भाई कंप्लीट करिए ना। बच्चे की तरह 70 पेपर फोड़ने वाला प्रधानमंत्री, गलत तरीके से नोटबंदी लगाने वाला प्रधानमंत्री, आरबीआई को किनारे दरकिनारे कर, आरबीआई के गवर्नर को इस्तीफा देकर इस देश को नोटबंदी के काले कुएं में डालने वाला प्रधानमंत्री, गलत जीएसटी लगाने वाला प्रधानमंत्री, इससे बच नहीं जाते। डेप्टी स्पीकर का एक कन्वेंशन है। सच बोलता हूं, इसके बाद आप ही को मौका दे रहा हूं, के दे रहा हूं आपको मौका इसके बाद। अतुल भाई कंप्लीट करिए जल्दी से। डेप्टी स्पीकर का कन्वेंशन 1969 से शुरू हुआ, उसके पहले चुनाव होते थे, लेकिन विपक्ष को कोई स्थान नहीं था, तो विपक्ष को भी स्थान मिलना चाहिए लोकतंत्र में, इसलिए इंदिरा जी ने 1969 से डिप्टी स्पीकर विपक्ष को देने की प्रथा जो है, परंपरा जो है, कन्वेंशन जो है शुरू किया था। उस कन्वेंशन को भी खत्म करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया, यह भी इस संविधान पर और इस देश के लोकतंत्र के परंपराओं पर आघात ही था, उसके ऊपर बार बार किया। इन सारे विफलताओं से, असफलताओं से छुप कर जो वार जो है, वो वार शर्मा आपकी बारी बोलिए, बोलिए आपकी बारी बोलिए। इनका ये मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये इंदिरा जी का शासन काल आपको आश्चर्य होगा ना, शासन बताने पर तकलीफ होगी ना। चालू करता हूं। नहीं सुनो, नेहरू जी के समय, नेहरू जी के शासन काल में कौन डिप्टी स्पीकर था? नाम बताइए। एक एक करके, एक एक करके अतुल भाई, एक एक करके, क्या चुनाव हुआ था? धन भाई, किस चुनाव हुआ था? स्पीकर का चुनाव हुआ, डिप्टी स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर था ही नहीं कोई। अरे ये पता ही नहीं, स्पीकर कोई था ही नहीं। अब दूर की, अब दूर की बात पे मत जाओ, मैं आपको दूर की बात पे मत जाओ। अभी हिमाचल में, अभी कर्नाटक में, और अतुल अभी भाई वन बाय वन, एक एक स्पीकर है, एक एक करिए, एक एक वन बाय वन, ऐसे दो लोग बोलेंगे कोई नहीं समझ पा रहा है। के कंप्लीट करिए अपनी बात जल्दी से। आज कर्नाटक में नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये दुनिया को जो है वो सिखा रहे हैं, परंपरा सिखा रहे हैं। आज कर्नाटक में इन्हीं का स्पीकर, इन्हीं का डिप्टी स्पीकर, हिमाचल में इन्हीं का स्पीकर, इन्हीं का डिप्टी स्पीकर, तेलंगाना में इन्हीं का स्पीकर, इन्हीं का डिप्टी स्पीकर, और ये जो समाजवादी पार्टी 2012 से लेकर 17 तक शासन की उत्तर प्रदेश में, इन्हीं का स्पीकर, इन्हीं का डिप्टी स्पीकर। तो वो परंपरा नहीं है, वो परंपरा नहीं है। दूसरे को केवल आपका जब पढ़ रहा है तो परंपरा याद आ रही है, और आपने परंपरा नहीं भाई। और संविधान की सिर्फ एक बात कहता हूं मानक जी, 99 बार इस देश के अंदर धारा 356 का उपयोग करके चुनी हुई सरकारों को गिराने वाली पार्टी, और संघ की व्यवस्था, संघी व्यवस्था के, संघी ढांचा का विनाश करने वाली यदि कोई हत्यारी है तो वो कांग्रेस पार्टी। ओके जूही सिंह।